हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल कनिष्का मेकअप आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन खांसी जुकाम नहीं जा रहा। तो गाइस, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है मेरा टॉपिक वैल्यू ऑफ योर पार्टनर। जो पार्टनर की वैल्यू होती है वो क्या है, है ना? तो मेरे से ज़्यादा ये कोई नहीं समझ सकता अभी, क्योंकि बोलते हैं जब इंसान के पास कुछ ना हो, उसके पास से चला जाए, तब उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं अपने पार्टनर का, मतलब मेरा एक एक, जो बोलते हैं ना कि एक एक खून का कतरा भी ले लो मेरा, तो भी कम है मेरे पार्टनर के लिए। तो मैं यही बताना चाहूँगी आपको। लास्ट टाइम मैं इन्हीं दिनों बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा महीना मैं बीमार रही थी। मेरी वीडियोज़ भी हैं यूट्यूब पर। तो क्या था गाइस, मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा बीमार थे, और क्योंकि इन दिनों फॉग वगैरह होता है तो खांसी जुकाम सबको हो ही जाता है ना। लेकिन मैं दो तीन दिन से क्या मिस कर रही हूँ कि वो इतना ज़्यादा बीमार थे और मैं भी थी, तो मेरे को बोलते वो कि मैं तेरे लिए कॉफ़ी लेके आता हूँ। और गाइस, मैं जैसे फर्स्ट फ्लोर पर हूँ तो किचन हमारा नीचे है, तो मेरे को बोलते हैं मैं लेके आता हूँ। मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं ले आऊँगी, लेकिन वो मेरे लिए कॉफ़ी लेके आए। तो मैं दो दिन से वही चीज़ याद करके इतना अपसेट हो रही हूँ, इतना अपसेट कि जो एक हस्बैंड कर सकता ना गाइज आपके लिए, वो कोई नहीं कर सकता। पहले मैं बोलती थी कि मम्मी पापा ये वो, मम्मी पापा भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो एक हस्बैंड है ना, उसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। कोई भी, पूरी कायनात भी आ जाए ना गाइस, वो भी कम होती है। तो कहने को वो एक कॉफ़ी का कप था, लेकिन आप ये देखो कि मेरे जहन में वो इतना बैठ गया कि मैं उसको दो दिन से याद कर रही हूँ कि मेरे लिए लेके आए थे। तो जितने भी हैं, जितने भी मैरिड कपल्स हैं, आज का दौर ऐसा है कि कोई भी एक दूसरे की कदर नहीं करता। बट प्लीज़ आप कदर कीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सब एक दूसरे का ध्यान रखिए। दूसरा, स्पेशली फॉर गर्ल्स, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वो हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, कुछ भी है, लेकिन अपने हस्बैंड की कदर कीजिए। और चाहे वो एक सुई जितना कुछ कर दें आपके लिए, तो वो आपके माइंड में रहता है। और मेरे हस्बैंड तो 24 आवर्स मेरे साथ थे, मेरे लिए बहुत कुछ करते थे, फिर भी मेरे को उनकी ये कॉफ़ी वाली बात याद है। तो सभी से मेरी यही है, स्पेशली फॉर गर्ल्स जो मैरिड हैं और जो अपने पार्टनर्स के साथ हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी तभी बना जाता है जब आप एक अच्छे लेवल पे आपकी दोस्ती हो, ऐसे किसी से बात नहीं होती। तो आप सब एक दूसरे का ध्यान रखिए और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। कुछ नहीं पता कल हो ना हो, है ना? तो यही मेरा था, मैं आपसे सारी बातें शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो आज का वीडियो जो था वो टीनू टोंग के नाम था। आज भी बहुत प्यार करती हूँ मैं टीनू टोंग से, लव यू सो मच टीनू टोंग। और मैंने बोला हुआ था उनको कि हमारा 7 जन्म का साथ है, तो 7 जन्म का ही साथ है, वो कभी भी मेरे अंदर से नहीं जा सकते। तो अभी के लिए बाय बाय। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।